हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो बना था चेरी के साथ और जब वो ब्लॉग बना था तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि कोको के साथ आप एक ब्लॉग बनाओ। नाउ द थिंग इज कि मैं चाहती भी हूँ कि मेरा जो मोस्ट फेवरेट मेरा बच्चा है उससे आप लोग मिलो, उसकी नेचर जानो। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि कोको को ले जाने में ही इज ओल्ड और मुझे ब्लॉग बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा संभाल के हैंडल करना पड़ता है बिकॉज ही इज 16 ईयर्स ओल्ड। तो 16 साल का है और वो बाकियों की तरह नहीं है। लाइक चेरी अभी इतनी एज नहीं है, कैंडी तो बिल्कुल ही बच्ची है, 6 साल की है कैंडी तो, लेकिन कोको इज 16 ईयर्स ओल्ड। तो उसको मेरे को देखभाल के हैंडल करना पड़ता है और ये वैसा तो ब्लॉग नहीं बनेगा, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगी मेरा फेवरेट बच्चा उसकी नेचर कैसी है। तो आप लोग तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, तैयार हो ना, आ जाओ। आज कुकड़ा जाएगा हमारे साथ। तो फाइनली आज आप लोगों की और पब्लिक डिमांड पे हमें कमेंट्स आए चेरी के वीडियो पे, इतने कमेंट्स आए चेरी के वीडियो पे कि अगला वीडियो कोको का होना चाहिए, अगला वीडियो कोको का होना चाहिए। तो हमने कहा कोको का वीडियो बनाते हैं। और एक्चुअली क्या है कि कोरोना फैला हुआ है, आपको पता है, तो हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर भीड़ भाड़ हुई उस जगह पे तो हमें शायद वापस ही आना पड़े, बिकॉज हम लोग वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते। और इस वीडियो के बाद कुछ टाइम तक मोस्टली मेरे वीडियोस घर के ही होंगे। तो मैं चाहती भी हूँ कि आप इस वीडियो में जरूर बताइए कि थोड़े से सजेशन दे दो कि घर पे क्या क्या वीडियोस और होने चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर जितने भी प्लान से हमारे बाहर के वो कैंसिल हो चुके हैं। तो सजेशन चाहिए। मीनवाइल मैं आपको कोको से मिलवा देती हूँ। मेरा कुकड़ा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसका विजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा देख नहीं सकता और ये बहुत ऊंचा सुनता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एज। धीरे धीरे आंख का नाक थोड़ा सा लाउड सुनने लग जाते हैं ना। मेरे को कच करना, कुत्ता काट रहा है और आज मम्मा इसको बाहर लेके जाएगी। देखो हम लोग इसको लेके जाते हैं अलग से। मैं स्पेशली आपको बता दूं, क्योंकि उस चीज का ब्लॉग नहीं बन रहा होता, मैं सबसे ज्यादा इसको ड्राइव पे लेके जाती हूँ, थोड़ा बाहर लेके जाती हूँ, थोड़ा इसको मैं अलग से ज्यादा पैम्परिंग करती हूँ, इन दोनों से ज्यादा, चेरी और ये कैंडुडी से ज्यादा मैं इसको पैम्परिंग करती हूँ। लेकिन वो ब्लॉग में नहीं होता तो दिखता नहीं है, बिकॉज ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा क्लोज है। अरे मुझे काट रहा है, ये बोलते ही, अरे मुझे काट रहा है, दिखा रहा बेटा, दांत नहीं, मम्मा को दांत नहीं, इसकी नेचर है। अच्छा बच्चा है लेकिन नेचर है। आ बेटा, आ तुझे कपड़े पहना दूं। आज मेरा कुकड़ा घूमने जाएगा, मम्मा के साथ अंडा पूरी खाएगा। आज मेरे कोको का शॉपिंग डे है, ठीक है? कोको जो जो बोलेगा मम्मा छाप ले। अरे 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 गुस्सा, अरे अरे तुम तो कह रही थी बूढ़ा है, उसके दांत नहीं है, बूढ़ा है थोड़ा, नहीं कोको, उसके हाथों में दर्द होता है ना, उसके हाथों में दर्द होता है ना, वे इज्जत देंगे। मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं। अरे मेरे बच्चे काट रहा है क्या कोको? मुझे दिख नहीं रहा बेबी, ये मुझे काट रहा है क्या? हाँ काट रहा है, दूसरी साइड से काट रहा है, दांत दिखा रहा है क्या? हाँ। दांत तो इसके ज्यादा है नहीं। अरे बहुत है, अभी मुंह खोला तो मैंने देखा थे। मुझे देखते हैं कोको बेटा ना, मेरा बच्चा गुच्छा किस बात पे? मैं बोल रही थी, मैं नहीं डरती, मम्मा नहीं डरती आपसे, सुन लो मेरी बात। मम्मा मारती है तो थप्पड़, लेकिन कुकड़ा को नहीं, छुपा रहा है, कितना भी गुच्छा कर दे, बहुत सबसे ज्यादा प्यार करता है मुझे। मेरा स्ट्रगल टाइम का डॉग है ये। और मैं आपको बता दूं कि अविनाश और इसकी एक अलग ही किस्म का रिश्ता है, इसका अलग ही दुश्मनी है, मतलब दे बोथ हेट ईच अदर। ना ये उसको हैंडल कर सकता है ना ये उसको, क्योंकि भाई उसके हिसाब से मेरी लाइफ में पहला ये आया था, उसके बाद अविनाश आया, और उसके बाद अविनाश आते ही अविनाश आता है कि भाई पूरा जितने भी इम्पोर्टेंस है अविनाश को मिले, तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो दोनों में ठशम रहती है। मैं भी कुछ बोलना है तो कोको को ऐसा लगता है कि वो संभावना का पुराना गार्जियन है, तो बीच में मैं कौन आ गया जो संभावना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वो अपना अलग ही ठशन दिखाता है मेरे को, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, कई बार काट चुका है मेरे को। थोड़ा सा ये टीका हटा दो, होली का टीका लगा हुआ है इसको अभी तक। आज तुम्हें काटेगा मेरे को, मेरा दिल ऐसा कह रहा है। नहीं क्यों काटेगा, वो मेरा बच्चा है, हटा इसका टीका बेबी। हल्का हुआ है, हटा तो नहीं, इसको नहला भी तो कोई नहीं सकता ना मेरे अलावा। कुकड़ा घूमी घूमी नहीं चलना। अरे अरे कितना खुश हो रहा है टी शर्ट पहन के। उज्जा बाबू, हाँ जी, आपको भी जाना है? आप नहीं जा रहे, चुपचाप घर पे बैठो, बड़ी आई, हाँ बैठो आराम से। कन्नी मामा लीविला बाबू, नहीं नहीं आप नहीं जा रहे हो, वो पहले ही तैयार है, चलो वहाँ पे जाओ, चलो भागो यहाँ से, भागो, आप नहीं जा रहे हो, और आप तो बिल्कुल बैठो, नाक कटाने वाला कुत्ता। आजा कुकू, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। बाकी लोग कितना चढ़े हुए हैं, ओए 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 ओए, आजा आजा। मेरा बच्चा है
मेरा कोको कोको। अरे बेबी चिल्लाओ मत। अरे वो ऊंचा सुनता है ना। अरे तो पुलिस आ जाएगी अभी इधर। कोको शिट बेबी। अरे मैं समझ गया, सिक्योरिटी वाले को थोड़ी पता है, वो आ गए सोचा लिफ्ट में पता नहीं एक आदमी एक औरत के साथ क्या कर रहा है। टोपी और लगाई है, मुझे पहचाना नहीं और पीट दिया। तो बिल्ला है कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं ना गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं। मैं उसको भगा रहा था बेबी, बिल्ले को अभी इतना मारता ना बिल्ला इसको। चलो कोको आजा कोको। बेबी इसको पूरा सर छील दिया तुमने टीका मिटाने के चक्कर में ना। नहीं ये देखो सर से गंजा हो गया वो। तो कुछ नहीं हुआ, आजा मेरा बाबू। एसी चलाओ बेबी जल्दी प्लीज। यहीं से चला दूं एसी, मतलब बैठ के चलाओ ना जल्दी। कोको अभी एसी चला रहे मेरे बाबू के लिए, अभी चला रहे। इसको बड़े अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है मेरे को, ये बुरा भी मान जाता है। बहुत इमोशनल डॉग है ये, लगता नहीं है लेकिन है। तुम्हारी तरह काटता है लेकिन है इमोशनल। मतलब तुम भी जैसे काटती तो हो लेकिन हो इमोशनल। ऐसा है जब काटने पे आती तुम कितनी बड़ी कटखननी हो। ऐसे इसी की तरह दांत मारती हूँ। अरे याद एक दिन तुमने बोला था बेबी मुझे सुबह जल्दी उठा देना 6 बजे, और मैं उठाने गया तो तुमने मेरा हाथ काट लिया। हाँ मैंने ऐसे किया था, खबरदार जो मुझे सुबह उठाया तो। हाँ मैं भूल गई थी, पहले बोला था मैंने। बिल्ला घूम रहा है वहीं पे, ध्यान रखना। तो बिल्ला गाड़ी के बाहर है, गाड़ी के अंदर थोड़ी आ जाएगा। एसी तो चल रहा है आपके लिए, मेरा स्ट्रगल टाइम का साथी है मेरा बच्चा। मैं इसको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ, मेरा कोको। ट्रीट लाई है उसकी? हाँ ट्रीट तो लाई नहीं, यही सारी खुशियां दे रही हूँ दुनिया की उसे। ट्रीट लाना भूल गई। तो पहले बेबी इसको ट्रीट ही ले देते ना बाहर से, थोड़ा फिर खरीदनी पड़ेगी, घर पे तो पड़ी हुई है। तो फिर वो गाड़ी वापस लो। क्या हुआ कोको, क्या हुआ? बाहर देखना है, बाहर जाना है, बाहर देखना है। आ जाओ बाहर देखेंगे, मैंने पकड़ा हुआ आपको, मैंने पकड़ा हुआ। सो हमने घर वापस आकर और इसका जो ट्रीट है वो हमने लिया है और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं पहले पेट्रोल पंप पे, पहले पेट्रोल भरवाएंगे। गाड़ी बिल्कुल रिजर्व पे है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसके इतने बाल छोटे छोटे कैसे हैं, तो बीच में ना इसको बहुत टिक्स हो गए थे तो इसके बाल भी कटवाने पड़े। वो दोनों मैडम के तो दवाइयां चल जाती हैं लेकिन इसको खाने वाली कोई दवाई भी नहीं दे सकते टिक्स की, डॉक्टर ने बोला बिकॉज ऑफ हिज एज। इस वजह से इसके सारे बाल कटवाने पड़ गए, गंजा करा दिया। एंड नाउ ही इज फीलिंग सो मच बेटर। इसको ना भी बाहर खिड़की पे जाना है एक्चुअली। जा अरे भैया कोई है? हेलो भैया सादा फुल कर दो, सादा फुल कर दो। पानी कर देता तो कहता मैडम को ठंडा पानी नहीं चाहिए सादा चाहिए। वाह रे पेट्रोल की खुशबू, मजा आ गया। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम इसको डॉग कैफे में लेके जा रहे हैं तो हम इसको वहाँ पे नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डॉग्स इसको परेशान कर सकते हैं। आई डोंट वांट कि ये किसी भी तरीके से परेशान हो। तो हम लोग इसको जहाँ पे हम लोग दोनों कॉफी के लिए जा रहे हैं वहीं पे इसको लेके जाएंगे। तो जहाँ पे नॉर्मली हम लोग कॉफी के लिए जाते हैं, वील हैव आवर कॉफी और मैं शायद कुछ एग वगैरह खा लूंगी एंड मेरे बच्चे को भी मैं खिला दूंगी। बच्चे ने खाया इसमें सुसु पॉटी कर दी तो कैसे करेगा पॉटी नहीं करेगा, कर दी तो मैं नहीं उठाऊंगा तुम उठाओगे। मामा बहुत पारी करती है आपको, आप सुन रहे हो। 36 चाइना टाउन के टाइम पे हमारा जो शूट था वो बैंकॉक में हुआ था, 6-7 दिन के लिए गई थी और उसी के बीच में क्योंकि मैं किराए के घर पे रहती थी तो मुझे वहां सर हकाल दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था। उन्होंने बोला रातों रात खाली कर दो, तो मैं शूट के लिए निकल गई। पीछे मेरे दोस्तों ने घर देखा और वो घर शिफ्ट किया और ये बच्चा मेरा उस समय साथ में था। मीनवाइल जब तक मैं घर पे वापस आई इसने गुस्से में घर का आधा दरवाजा नीचे से खा गया था ये, क्योंकि मैं इसको अकेला छोड़ के गई। इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, ये अकेला नहीं रहता था। दरवाजे का हर्जाना भरना पड़ा मुझे। तो जब तुम इसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, वो ले लेते रिस्पेक्ट ना दो तो। हाँ ले तो वो लेते लेकिन मेरी नेचर और मेरे एक डॉग की नेचर जो सबसे ज्यादा मिलती है वो बताओ तो बेबी किसकी मिलती है? चेरी की। एकदम करेक्ट, चेरी और मेरी नेचर एकदम बराबर है। मतलब चेरी कहीं भी जाती है, जैसे मैं भी कहीं पहुंचती हूँ ना तो मैं भी सबको बताना चाहती हूँ कि आई हैव अराइव्ड, मैं आ गई हूँ, हेलो हेलो हेलो, वो भी वाओ 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 करके सबको बताती रहती है। चेरी में प्यार बहुत है, मेरे में प्यार बहुत है। देखने में जो उससे पहली बार मिलेगा उसको लगेगा बहुत डेंजरस है, इतना भौंकरी है, इतना रेस्टलेस है, इतना ये है, लेकिन वो बेचारी बिल्कुल भी नहीं है, बेचारी अंदर से बहुत प्यारी है। वो दोनों लड़कियां इस पे हावी हो जाती है, चेरी और कैंडी। ये कुछ नहीं कहता उनको लेकिन बाकी आने जाने वालों को
काट ही देता है। तो बेबी कोको के लिए तो कोई प्लान नहीं बनाना? नहीं नहीं कोई प्लान नहीं है बेबी, है मेरा बच्चा, ऐसे मत बोलो। ये कांप क्यों रहा है? कांप रहा है, वो डर रहा है। किससे? तुमसे ही डर रहा है क्या? तुम कहती उसकी आंख कमजोर है, इतनी दूर का कुत्ता देख लिया इसने। कैसे देख लिया इसने? क्या है तुम्हारा एरिया थोड़ी है? चल यहाँ से। इधर बेटा इधर देखो, आंटी आपको क्या दे रही है। कहाँ गया? आजा आजा, आके बहुत अच्छे लग रहे हो भाई। कमला कमला आजा आजा, आंटी से लेना तो थोड़ा आगे आना पड़ेगा, फिर आगे आना पड़ेगा। ये बिल्ली है सामने भी, बिल्ली नहीं नहीं वो कुछ नहीं करता, ये अपने लिए ले रही हो। ये पीछे खींचो बेबी। नहीं कुछ नहीं करता, वो बेचारे के दांत तो है नहीं। अरे बिल्ली के तो दांत है। टी-शर्ट है या? तो बेबी कोको के लिए यहाँ से ना थोड़ी सी ट्रीट्स ले लेती हूँ मैं, जो कोको खाता है। टी-शर्ट नहीं है? नहीं है, टी-शर्ट्स नहीं है यहाँ पे। पीछे ध्यान देना, बगीरा बैठा है। मेरे को उसके लिए चेरी के लिए कोक भी चाहिए। कोक? कोक नहीं, कोम। ये कितने की है? ये कंगी है कि पनिशमेंट देने के लिए? नहीं और भी होंगी ना। ये ठीक लग रही है, डबल साइड वाली। एक बार दिखाना तो चल जाएगी, देखो लग तो है, लेकिन ये तो हमारे बालों के लिए है, चेरी के लिए तो। ये फिर ले लो, इससे प्लेन कुछ भी नहीं है। ये कैंडी की इतनी सारी ऐसी वाली बॉल्स के बारे में काम है? सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट वाली तो फाड़ देंगे वो। हाँ उनके लिए वो 2% के टॉयज तो है ही ना, वो उसी से खेलते हैं, फटे हुए टॉयज से तो खेलते हैं। वो जो नई वाली बॉल थी ना वो भी चेरी ने फाड़ दिया, एक चेरी ने बॉल जो 3 लाए थे उसमें से एक फाड़ दिया। क्या बंदर बना हुआ है, बिल्ली तक तुझसे नहीं डरती, बिल्ली ने भी तेरे को हकाला है। आ गए हम लोग अपनी गाड़ी में और जा रहे हैं हम घर, क्योंकि जो ट्रीट्स लिए हैं वो कैंडी और चेरी के लिए भी लिए हैं, और उनको भी जाके मिलना पड़ेगा बिकॉज दोनों बहुत नाराज बैठी होंगी। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन आप जरूर बताइए कि मेरा ये कोको मेरी जान आपको कैसा लगा। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। आज बहुत शांत व्लॉग बना ना कोको की वजह से। हाँ कोको की वजह से, वो होती ना दोनों हलकट जवानी। हलकट जवानी। मेरा कुकड़ा छपचे प्यारा है, मोमो को बेबी छपचे प्यारा है। मोमो खा लाइए जल्दी जल्दी जल्दी, देखो जल्दी जल्दी मेरा छोड़े देखेगा, कहाँ मिलेगा चेरू को। इतना मिलेगा खाने का टाइम है अभी, और फिर ये कैंडू को कहाँ मिल रहा है, और ये मिले कुकू को कहाँ मिलेगा अभी। जा 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 बैठ के खा लो।